नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौरव। बालों के झड़ने की समस्या। नस्यम हेयर ऑयल और नेचुरल चाय से 3 हफ्ते में आप बालों का झड़ना रोक सकते हैं। जो मैं आपको आयुर्वेदिक उपाय साझा कर रहा हूं, यदि आप इसको आप अमल करते हैं तो आप बालों के झड़ने की समस्या से निजात पा सकते हैं। बालों का झड़ना एक बहुत ही आम समस्या है जिससे हर तीसरा व्यक्ति परेशान है और उससे छुटकारा पाना चाहता है, परंतु सही सलाह ना मिलने के कारण सही उपचार नहीं मिल पाता है। आज के समय में बालों के झड़ने की कई वजह हैं। पहला है लो कैल्शियम, लो आयरन, नींद की कमी, थायराइड, ऑटो इम्यून डिसीजेज, स्ट्रेस, कोविड, थायराइड, लंबे समय से चली आ रही बीमारी और ख़राब न्यूट्रिशन के कारण मैसिव हेयर फॉल की समस्या से अधिकतर लोग परेशान होते हैं। इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए मैं आपको केवल 3 चीज़ों का इस्तेमाल करने के लिए बता रहा हूँ, जो हेयर फॉल कम करने के साथ साथ हेयर ग्रोथ करने में भी मदद करेगा। जो पहला है वो है नस्यम। रात को सोने से पहले और सुबह उठकर 2 ड्रॉप गाय के घी को नाक में डालने से हेयर फॉल, हेयर ग्रोथ, सफ़ेद बाल, याददाश्त, कंसंट्रेशन, बेहतर नींद, माइंड ग्रोथ जैसे कई फायदे होते हैं। यदि आपके लिए गाय का घी काम नहीं करता है तो आप आयुर्वेदिक तेल जैसे अणु तेल, 4 बिंदु तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आयुर्वेदिक तेल बालों की ग्रोथ को बढ़ाते हैं और बालों से संबंधित सभी परेशानियों से बचाव करके साथ में साइनसाइटिस, सिरदर्द जैसी समस्याओं के भी निदान के लिए लाभप्रद है। इन ऑयल्स का इस्तेमाल करने से पहले किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर का परामर्श लेना जरूरी है। हेयर ऑयल और हेयर मास्क। हमारे शरीर को जरूरी पोषण खाने से प्राप्त होते हैं, लेकिन बालों को डायरेक्ट पोषण की भी ज़रूरत होती है। स्कैल्प पर ऑयलिंग और हेयर मास्क के जरिए बालों को पोषण या न्यूट्रिशन मिलते हैं। कोकोनट ऑयल, भृंगराज, नीम और गुड़हल के फूल का इस्तेमाल स्ट्रेस, नींद की कमी, थायराइड के कारण होने वाले हेयर फॉल में काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। अगर ये हेयर ऑयल आप इस्तेमाल करने के बाद हेयर फॉल में कोई फ़र्क महसूस नहीं होता है तो बालों के लिए बेस्ट हर्ब केसैया, गुड़हल के फूल, नीम और भृंगराज का जो हेयर मास्क है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हेयर फॉल के लिए बेस्ट है नेचुरल टी। नेचुरल टी पीने से वात और पित्त में जो है लाभ मिलता है और बालों को भी बेहतर पोषण मिलता है। करी पत्ता की 8-10 ताजी पत्तियाँ लेकर 1 गिलास पानी में लगभग 3 मिनट तक उबाल लें, फिर इस पानी में गुड़हल का फूल डालकर फिर 3 मिनट उबाल लें। कुछ देर के पश्चात पानी को ठंडा करके छान लें। केवल 5 से 8 मिनट में आप हेल्दी टी तैयार हो जाएगी। ये जो हेल्दी टी नेचुरल टी है आप सुबह खाली पेट, शाम के समय, रात में सोने से पहले ले सकते हैं। इन 3 नेचुरल रेमेडीज़ को अपनाने से केवल 3 हफ्तों में 25% तक आप हेयर फॉल को कम कर सकते हैं। यदि आपको इन रेमेडीज से हेयर फॉल में कोई डिफरेंस नहीं आता है तो आप किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी परामर्श ले सकते हैं, ताकि परेशानी की जड़ तक पहुंचकर उसका समाधान निकाल सकें।